आईपीएल 2019 का खिताब एक बार फिर मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया और चेन्नई को बेहद रोमांचक मुकाबले में एक रन से हरा दिया। एक बार फिर मुंबई की टीम ने दिखाया कि क्यों उन्हें आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक माना जाता है। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस के मुकाबले में एक ऐसा वाकया भी सामने आया है जिसने पूरे तरीके से मुकाबले का रुख मोड़ने का काम किया और बाद में विवाद पैदा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और मुंबई इंडियंस ने गिरते पड़ते 149 रन बोर्ड पर लगा दिए। बड़ी बात यह रही कि मुंबई इंडियंस की तरफ से कायरन पोलार्ड की 41 रन की पारी काम आई और 149 रन बोर्ड पर लगाने में मुंबई इंडियंस की टीम सफल रही। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद शानदार रही और चौथे ओवर तक 30 रन से ज़्यादा का स्कोर चेन्नई की टीम खड़ा कर चुकी थी। लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर फाफ डुप्लेसी के रूप में पहला विकेट गिरा। उसके बाद 70 रन पर चेन्नई का दूसरा विकेट गिरा। ऐसा लगा कि चेन्नई की टीम धीरे धीरे मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन चौथा विकेट जो 13वें ओवर में गिरा उसने पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया और वो विकेट था महेंद्र सिंह धोनी का। दरअसल राइडू के आउट होने के बाद धोनी और वॉटसन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होने की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि अगर ये पार्टनरशिप पनप गई तो ये फाइनल जिता देंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को ईशान किशन ने एक ऐसा रनआउट किया जिसके बाद असली विवाद खड़ा हुआ। अब लोगों का ये कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रीज के अंदर आ चुके थे और इस वजह से उन्हें आउट नहीं दिया जाना चाहिए था। धोनी के आउट होने के बाद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैच का रुख पलट गया, लेकिन धोनी आउट थे या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले का कुछ हिस्सा अंदर है, और बड़ी बात यह है कि क्रिकेट के नियम ये कहते हैं कि लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर, यानी कि अंपायर के फैसले पर निर्भर करता है कि ऑन द लाइन आउट होता है या नहीं। लेकिन ऑन द लाइन दिख रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले का कुछ हिस्सा क्रीज के अंदर है और नियमों के मुताबिक अगर आपके बल्ले का 1% हिस्सा भी अगर क्रीज के अंदर होता है तो आप आउट नहीं करार दिए जाते। अब ये फैसला सही था या गलत ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन धोनी की विकेट सीएसके की हार बनकर सामने आई और कहीं ना कहीं मुंबई की टीम ने चेन्नई को हराकर आईपीएल में चौथी बार खिताब अपने नाम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।